हरे कृष्णा। भगवत गीता की ऑडियो नंबर 142 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता का श्लोक संख्या 2.13, उसकी ये थर्ड ऑडियो है। इसमें हम वैसे पिछली ऑडियो में हम ये चर्चा कर रहे थे कि तीन तरह से जो है मोहित होने के तीन अर्थ हैं, एक तरह से जिनमें से दो भ्रमित होना या मूर्ख बनना और उद्विग्न होना या परेशान होना, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम तीसरा और आखिरी पॉइंट ले रहे हैं, आश्चर्य करना या बेसिकली संदेह करना, कि संदेह करने से क्या नुकसान होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को हर व्यक्ति पर संदेह होता है बाय डिफॉल्ट। ये एक नेचर है, करेक्टर है, मैंने देखा है। जो अच्छे भक्त होते हैं वो बाय डिफॉल्ट किसी पर संदेह नहीं करते, यानी कि जब तक प्रूव ना हो तब तक वो बंदे को जेन्युइन मानते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने देखा है इस नेचर के होते हैं कि वो हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और जब तक प्रूव ना हो तब तक वो ठीक नहीं मानते। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप जिसको भी मिलोगे, कोई आपको अच्छी सलाह भी दे रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, आप उसको संदेह की दृष्टि से देख रहे हो, ये नेचर ही डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक तरह से मोहित मनुष्य का ही लक्षण है। भक्तों में ऐसी बात नहीं होती, भक्त सरल हृदय होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, वो घबराते नहीं, वो सब पे विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त बिल्कुल ही अंधे होते हैं, लेकिन इन जनरल वो किसी को भी गलत नहीं समझते। ये भक्त का करैक्टर होता है कि वो बाय डिफॉल्ट सबको अच्छा ही मान के चलता है। एक्चुअली सब अच्छे ही है ना, सबके हृदय में परमात्मा स्थित है, तो कोई किसी को भी आप अच्छा ही माने। मैं तो यही सलाह दूंगा, मैं खुद अपनी तरफ से हर व्यक्ति को अच्छा ही मान के चलता हूं। भाई मैं क्यों सोचूं कि कोई खराब है, है ना। तो अब वो भी है कि थोड़ा सा कभी कभार इस वजह से नुकसान हो जाता है, तो ये मान के चलो कि कोई बात नहीं, अगर किसी गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया, नुकसान हो गया, तो आप ये मान के चलें कि भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं ना, मुझे भी कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, जो सुन रहा है उसको भी कर रहे हैं, और जिसने जो कुछ भी किया सब कुछ हो तो भगवान की मर्जी से ही रहे ना। तो हमें ये संदेह नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत से लोगों को ये भी संदेह होता है कि अगला जन्म है या नहीं है, तो इसी बात पे डाउट होता है। अब जिसको अगले जन्म पर ही संदेह है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो भक्ति क्यों करेगा? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति का जो मुख्य प्रभाव है वो है जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना। अगर किसी को लगे यही जन्म है तो वो तो कहेगा जी आप लोग तो जप करके या एकादशी करके या मंदिर में सेवा करके या ये गीता पढ़ के बोल के सुन के टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो मैं फिल्मी गाने सुनूं, डांस करूं, उससे मेरा जीवन सफल होगा। बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं, है ना। तो अभी वो जितने भी लोग हैं जो इस तरह की डांस पार्टियों में जाना अपना जो है बहुत बड़ा ही समझते हैं कि हम इतने बड़े होटल में गए, इतने बड़ा डांस किया या इतनी पार्टी में गए, है ना, बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज तो पता नहीं क्या पा लिया, है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि ड्रिंक का प्रोग्राम होता है, अब हम भक्त तो कभी इस तरह की चीज़ों में जाते ही नहीं है, तो वो बड़ा उस दिन वो खुश महसूस करते हैं कि आज तो पता नहीं कैसी किसी अमृत पीने जा रहे हैं जैसे, है ना। क्या कर सकते हैं, लोगों का नेचर है, करेक्टर है, वॉट कैन बी डन। तो ये सारे वही लोग हैं जो संदेह में मरे हुए हैं, उनको यही संदेह है कि अगला जन्म है या नहीं। अगर उनको ये विश्वास हो कि अगला जन्म होगा तो डेफिनेटली इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो उनको पता है कि अगली योनि में उनको नरकों में जाके भोगना पड़ेगा हजारों लाखों साल तक। ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन वो ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते, है ना। इसी संदेह को दूर करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारी घटनाएं भी वर्णित हैं, शास्त्रों में बहुत जगह अगले जन्म को प्रूव करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सुन के भी शायद समझते नहीं। अब जैसे भरत महाराज जो है वो हिरण बन गए थे, है ना। इसी तरह से जब मेरे ख्याल से नारद जी का अपमान हुआ तो नलकूबर और मणिग्रीव जो है वो वृक्ष बन गए थे, है ना। इसी तरह से जब खुद नारद जी एक गंधर्व थे और उन्होंने देवताओं की सभा में विनोद किया और फिल्मी गाने गाए बजाय भगवान की जो है स्तुति करने के, तो उनको एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, फिर वो भक्ति करके नारद बने। महाराज इंद्रदुम्न की भी कथा है कि वो अगस्त्य मुनि का सम्मान उन्होंने नहीं किया तो फिर उनको हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, है ना। सीता जी का भी आप देखो, सीता जी मोहित हुई, लीला है बेशक, मैं बट फिर भी जो लीला है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। सीता जी मोहित हुई, अब मोहित हुई एक मृग के पीछे तो राम जी को भेज दिया। अगर सिर्फ उतना ही रहता तो भी काम चल जाता, क्योंकि लक्ष्मण तो थे ही ना वहां पर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी गलती की, पहले मोहित होने की गलती की, एक तरह से भ्रमित होने की गलती की, और उसके बाद दूसरी गलती की संदेह करने की। उन्होंने जो है लक्ष्मण जी को संदेह किया, अपशब्द कहे, जिसकी वजह से फिर लक्ष्मण जी भी चल दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम खुद ही अपने लिए एक तरह से ना मुसीबत को इनवाइट करते हैं, कभी भ्रमित होके और कभी संदेह करके, है ना। तो लोग शास्त्रों पर भी संदेह करते हैं, इस बारे में भगवत गीता भी कहती है। चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवत गीता कहती है, अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं।
वे भगवत भावनामृत प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब है या तो निम्न योनि में जाएंगे या निम्न लोकों में जाएंगे, वो नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए यानी जो लोग संदेह करते हैं, ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। तो ये बड़ा क्लियर है, ना इस लोक में ना परलोक में उनको कहीं सुख नहीं मिलने वाला। जो हर समय संदेह ही करेगा उसको तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र पर भी शक होगा, उसको लगेगा पता नहीं ये किसी व्यक्ति ने ऐसे अपने मनगढ़ंत बना दिया है। और हम तो बोलते हैं कि जैसे स्कॉन वाले बोलते हैं या मैं भी बोलता हूं कि भई ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो दिव्य है, इसको आप जप करो तो इससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा, हो गया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो उनको डाउट रहता है, वो फेथ नहीं कर पाते, है ना। कोई और मंत्र उसको बताएगा वो उस पर भी डाउट करेगा। तो वो किसी भी चीज पर जब फेथ ही नहीं करेगा तो उसको कोई भी भक्त कुछ भी बता दे वो डाउट में ही मर जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने गुरु पर, अपनी भगवत गीता पर, अपने महामंत्र के जप पर विश्वास करें, तभी हमें आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।